नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की तमाम खबरों को बताने के लिए हम फिर से आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया की तरफ से सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा एयर इंडिया कई देशों के साथ नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के बाद शुरू की जा रही है, जिससे कि जो लोग भी दूसरे देशों में ट्रैवल करने की सोच रहे थे वे सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सऊदी अरेबिया को लेकर भी जानकारी रहने वाली है और इसके साथ कुवैत से ट्रैवल करने वाले लोगों के फ्लाइटों को लेकर भी जानकारी है। और वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत मिशन की उड़ानें कौन कौन से देशों से ऑपरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज की ये सारी न्यूज़ आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते रहें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी जानकारी एक जगह पर मिल सके। यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने बीते कल सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए ट्वीट करके नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि वे दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर आएँ। इसके साथ साथ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर हेल्थ डिक्लेरेशन और कोरोना का रिपोर्ट जरूर अपलोड कर दें। इसके अलावा भारत में ट्रैवल करते समय कोरोना वायरस रिपोर्ट का ओरिजिनल प्रिंटआउट लेकर ट्रैवल करें और भारत पहुंचने के बाद अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और भारत आना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके ये डिटेल जानकारी वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट आ रही है वो दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। इसको लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दे दी है कि दुबई सरकार की तरफ से यह आदेश आया है कि सभी कोरोना रिपोर्ट पर QR कोड होना जरूरी है और वो QR कोड आपके रिपोर्ट से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा उस रिपोर्ट के ऊपर सैंपल कलेक्शन डेट और सैंपल रिपोर्टिंग डेट सही तरीके से मेंशन होनी जरूरी है। यदि ये तीन चीज़ें आपकी रिपोर्ट में नहीं होंगी तो आपका कोरोना का रिपोर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये नियम दुबई एयरपोर्ट की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर लागू कर दी गई है, यानी कि अब यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको इस तरीके का रिपोर्ट लेकर ही जाना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है कुवैत से। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में जो लोग भी हैं और भारत आना चाहते हैं उनके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस अलग अलग लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा इंडिगो भी कुवैत से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आप कुवैत में हैं और भारत आना चाहते हैं तो आप इस समय भारत के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करके आ सकते हैं। इन उड़ानों के माध्यम से अभी आप केवल कुवैत से भारत में आ सकते हैं, लेकिन भारत से कुवैत में ट्रैवल करने के लिए अभी भी उड़ानें ऑपरेट नहीं हुई हैं। कुवैत की सरकार ने अभी भी दुनिया के सभी देशों से उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक कुवैत की सरकार ने ये सूचना भी नहीं दी है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कब से खोलेगा। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर आ रही है शिकागो जाने वाले लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हैदराबाद एयरपोर्ट से शिकागो के लिए ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे थे तो एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी भी अपनी उड़ानों को हैदराबाद से ऑपरेट कर रही है, जहाँ पर आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से संपर्क करके इन फ्लाइट की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं और आप सीधा हैदराबाद एयरपोर्ट से शिकागो के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भारत से रशिया जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया मॉस्को के लिए अपनी फ़्लाइट केवल 28 मार्च तक ही ऑपरेट कर रही है। अभी की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एयर इंडिया मॉस्को के लिए अपनी उड़ान सप्ताह में एक दिन ऑपरेट कर रही है। यदि आपने अभी तक फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग नहीं की है तो बुक कर ले, नहीं तो हो सकता है कि एयर इंडिया की सभी टिकट सोल्ड आउट हो जाए। इसके बाद अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने अभी भी दुनिया के 20 देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है। इन 20 देशों में कई बड़े देश शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, भारत, पाकिस्तान।
ईरान, इन सभी देशों से सऊदी अरेबिया की उड़ानें बंद हैं। और अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जानकारी नहीं आ पा रही है कि सऊदी अरेबिया इन सभी देशों से अपनी उड़ानों को कब से चालू करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया से ये जानकारी आ रही है कि सऊदी अरेबिया की GSA की तरफ से बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को सऊदी में और सऊदी अरेबिया के ऊपर से ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि आज से 2 साल पहले 2 बड़े एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया भर के देशों ने इस एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की परमिशन दे रहे हैं, उसके बाद अब सऊदी अरेबिया ने भी इस एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जो खबर आ रही है वो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट को और बड़ा बनाने के लिए और आधुनिक लेवल पर उसको विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार 78 एकड़ की ज़मीन एक्वायर करने की तैयारी कर रही है। इस एडिशनल ज़मीन की मदद से दरभंगा एयरपोर्ट को और विकसित किया जाएगा, जिससे कि वहां पर बड़ी मात्रा में फ्लाइटें ऑपरेट हो सके और दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में भी प्लानिंग की जा सके। दरभंगा एयरपोर्ट अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है और इस एयरपोर्ट को शुरू हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को और अधिक बड़े लेवल पर विकसित करने की ज़रूरत आ पड़ी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े एयरपोर्ट बनने वाले हैं और ये सभी के सभी एयरपोर्ट मिलाकर उत्तर प्रदेश में टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। भारत में पहला ऐसा राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। आपको बता दें कि इसमें शामिल होगा कुशीनगर एयरपोर्ट, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट और अयोध्या एयरपोर्ट। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सिविल एविएशन मंत्रालय डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर लेकर आ चुके हैं। यदि आप ऐसे ट्रैवलर हैं जो कि कम सामान के साथ ट्रैवल करते हैं तो अब आपका फ्लाइट का किराया कम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस नई नोटिफिकेशन के तहत सभी डोमेस्टिक पैसेंजर्स का फ्लाइट का किराया कम हो सकता है यदि वे अपने साथ का सामान लेकर ट्रैवल नहीं करेंगे तो। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियां आपसे आपके सामान की डिटेल टिकट बुकिंग करते समय ही ले लेंगी, जिसके आधार पर आपके फ्लाइट के टिकट का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ एयरलाइन से सबसे आखिरी खबर ले लेते हैं वंदे भारत मिशन को लेकर। आपको बता दें कि भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत 178 उड़ाने ऑपरेट करने वाली है। ये 178 उड़ाने दुनिया भर के अलग अलग देशों से ऑपरेट होंगी। इसको लेकर एक पूरी डिटेल फ्लाइट की लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार कौन कौन से देशों से वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों को चालू कर रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक को देख सकते हैं, जहां पर आपको वंदे भारत मिशन की सारी उड़ानों की जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको एयरलाइंस की सारी अपडेट मिलती रहे।